क्या बहुत सारी होम रेमेडीज़ ट्राई करने के बाद भी आपके बालों की हेयर की ग्रोथ नहीं हो पा रही है और आप अपने बालों को सिल्की स्मूथ, शाइनी और ग्लॉसी बनाना चाहते हैं बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ किए हुए? तो इस डीआईवाई होम रेमेडी को यूज़ करने से आपके बालों की ग्रोथ तो होगी, साथ ही साथ आपके बाल सिल्की स्मूथ, शाइनी और ग्लॉसी भी होंगे और आपके स्कैल्प से डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है 2 चम्मच कोकोनट ऑयल और 2 चम्मच एलोवेरा जेल। दोनों को डबल बॉयलर मेथड से बॉयल करना है। ठंडा होने के बाद इसको अपने हेयर के स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करना है और 2 घंटे तक के लिए अपने बालों पे लगा रहने देना है। 2 घंटे बाद अपने बालों को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप माइल्ड शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस रेमेडी को वीक में 2 बार यूज़ करने से आपके बालों की हेयर की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होने लगेगी और आपके बाल सिल्की स्मूथ, शाइनी और ग्लॉसी भी होंगे और आपके स्कैल्प से डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। एलोवेरा जेल आपकी हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके बालों को सिल्की स्मूथ और शाइनी बनाता है, और कोकोनट ऑयल आपके बालों को सिल्की स्मूथ और शाइनी तो बनाता है, ये साथ ही साथ आपके बालों से डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। ऐसे ही क्विक और इफेक्टिव वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।